से दिल्ली जाने वाली आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन में सोमवार को लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। स्पीड से दौड़ती हुई ट्रेन के इंजन में बैठे एक व्यक्ति ने इमरजेंसी उपकरण से छेड़छाड़ की। इस कारनामे का उसने फेसबुक लाइव भी किया। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। डिपार्टमेंट ने घटना के लिए जिम्मेदार 3 कर्मचारियों को सस्पेंड करते हुए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामले को दर्ज कराया है। ये मामला सोमवार शाम बांदीकुई जंक्शन का है, जहां जयपुर पहुंची आश्रम एक्सप्रेस में चीफ लोको इंस्पेक्टर ड्राइवर संतोष ने अपने रिश्तेदार सुखराम को लोको केबिन में बिठा दिया, क्योंकि उसका टिकट कंफर्म नहीं था। वहीं ट्रेन के जंक्शन से रवाना होते ही सुखराम ने केबिन से फेसबुक पेज पर लाइव करना शुरू कर दिया। ट्रेन को खुद चलाने का दावा करते हुए वो लाइव कर रहा था। वीडियो में वो ट्रेन चलाने वाले उपकरणों से भी छेड़छाड़ करता हुआ दिख रहा है। उस वक्त ट्रेन में 800 से अधिक पैसेंजर सवार थे। जयपुर मंडल के DRM नरेंद्र ने बताया कि जांच में मामला बांदीकुई से दिल्ली के बीच का होना पाया गया। जयपुर मंडल रेलवे ने चीफ लोको इंस्पेक्टर संतोष, लोको पायलट प्रदीप मीणा और असिस्टेंट लोको पायलट मनीष को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। बताया जाता है कि इंजन में बैठा व्यक्ति सुखराम दिल्ली पहुंच गया है, उसके खिलाफ भी मामले को दर्ज कर लिया गया है। जांच के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। इस तरह से सफर करना और कराना गलत है। रेलवे अधिकारियों की जांच में सामने आया है कि सुखराम रियर लोको में अकेला बैठा था। रियर लोको से परिचालन संबंधी कंट्रोल नहीं होता है, वहां से आपातकालीन प्रणाली का यूज कर सकता है। रियर लोको में मौजूद आपातकालीन प्रणाली का सुखराम यूज कर देता तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। इससे सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा खतरे में थी। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।